तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं सुधांशु जी, आचार्य जी और मलूक नागर जी के साथ। आचार्य जी, शुरुआत आपसे करते हैं। आजकल आप हेडलाइन में हैं, सुर्खियों में हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, आप हैं किस तरफ? अमित देवगन जी, वैसे तो शास्त्रों में एक सूत्र आता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है जी। लेकिन फिर भी अगर आपको मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं कि मैं कहां हूं, तो आप चश्मे का नंबर ठीक कराइए, आपको बिल्कुल दिखाई देगा कि मैं कहां हूं। मतलब थोड़ी जो धुंध आ गई थी, आपने पीछे कुछ बयान दिए और बड़ी हेडलाइन बन गई, सुर्खियां बन गई अखबारों की भी, न्यूज चैनल्स की भी, तो चश्मे का नंबर तो ठीक था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आपका नंबर कोई और है। मेरे किस बयान से आपको ऐसा लगा? हिंदुत्व पर और श्री राम पर जो आपने बोला कांग्रेस के लिए। अमित जी, सवाल बहुत गंभीर है और मैं इसका जवाब उतनी ही गंभीरता से देना चाहूंगा। क्या कांग्रेस में रहने का मतलब यह है कि मैं सत्य सनातन की बात ना करूं? क्या कांग्रेस में रहने का मतलब यह है कि कोई सनातन धर्म को मिटाने की बात कर मैं खामोश रहूं? क्या कांग्रेस में रहने का मतलब यह है कि मैं सच को सच और झूठ को झूठ कहना छोड़ दूं? क्या कांग्रेस में रहने का मतलब यह है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और रामायण और रामचरित मानस को गाली देने वाले नेताओं के खिलाफ ना बोलूं? अमीश जी, सवाल ये है। लेकिन सवाल मेरा है कि जो आप बोल रहे हैं वो कांग्रेस नहीं बोल रही ना, कांग्रेस तो कुछ और ही बोल रही है। देखिए, इसे भाग्य की विडंबना कहें या मेरा प्रारब्ध जी, कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने वाली पार्टी है, और महात्मा गांधी जी की हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता भी आ गए हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है, राम से प्रॉब्लम है, वंदे मातरम से प्रॉब्लम है, भारत माता की जय से प्रॉब्लम है ना, उन्हें हिंदू शब्द से प्रॉब्लम है, हिंदुत्व से प्रॉब्लम है, उन्हें हिंदू धर्मगुरु से भी प्रॉब्लम है, तो वो इस जुगाड़ में लगे हैं कि आचार्य जी को, इन बाबा जी को कांग्रेस से विदा करो। लेकिन आप विदा होने वाले नहीं है, विदा करके जाएंगे? नहीं, वैसे ऐसा देखिए, सुधांशु जी के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं जी, अगर मैं इधर रहता हूं तो भी विदा हो गया, तो भी दोनों लड्डू। देखिए, बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी, जो पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, जो पार्टी सर्वधर्म संभाव विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को आत्मसात करने वाली पार्टी है, वो पार्टी हिंदू विरोधी घोषित हो जाए, ये सुधांशु जी चाहते हैं। अब जो सुधांशु जी चाहते हैं और इनकी पार्टी चाहती है, अफसोस की बात यह है कि हमारी पार्टी के कुछ नेता भी वही काम करते हैं, वो अपने बयानों से ऐसा प्रूव कर देते हैं, साबित कर देते हैं कि बीजेपी ठीक कह रही है। मैं इन दोनों के बीच में अड़ जाता हूं। आप इन दोनों के बीच में अड़ जाते हैं। और सुधांशु जी, देखिए, विराट कोहली की सेंचुरी का तभी मजा है, क्योंकि वर्ल्ड कप का दौर चल रहा है, कि सामने बॉलर भी मजबूत हो, टीम भी मजबूत हो, तो क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अभी आपने आचार्य जी से पूछा कि ये कहां है, ये कांग्रेस के साथ है? नहीं, इन्होंने जहां की बात कही वो अगर वहां तक पहुंच जाती तो कांग्रेस की सारी जहां में दुर्गति न होती। अब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो आपने सवाल पूछा, देखिए, विराट कोहली टीम शानदार प्रदर्शन करती चली जा रही है और हम आशा करते हैं कि विश्व कप हम जीतना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और जितने बड़े स्कोर से विश्व कप जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे बड़े स्कोर से हम आशा करते हैं कि राजस्थान इस बार हम जीतेंगे। और यह भी मैं बताना चाहता हूं, देखिए, एक समस्या की बात क्या है जो इन्होंने कही कि हम हिंदुत्व विरोधी सिद्ध करना चाहते हैं। मैं राजस्थान की धरती से जवाब देता हूं। यह बताइए, राहुल गांधी जी ने अपना गोत्र कहां बताया था? पिछले चुनाव में पुष्कर में ही तो आके बताया था। कोई पूछा था क्या? किसी ने पूछा था क्या? चलो, कोई बात नहीं। उसके बाद
जयपुर में 4 साल पहले एक रैली हुई थी महंगाई पे, याद होगा आपको। रैली का विषय था महंगाई। वैसे तो अभी परसों जो आई है महंगाई की दर वो 5% के नीचे आ गई है, 4.87% है। हां, राज्यवार महंगाई दर में राजस्थान 6.7% पे है। खैर, मगर उस महंगाई में 10 मिनट हिंदुत्व पे भाषण दिए, हिंदुत्व को क्रिटिसाइज करते हुए। तो भाई समझ में नहीं आता है कि जो पुष्कर में दिख रहा था वो चेहरा सही है या जो जयपुर में दिख रहा था वो चेहरा सही है। इसलिए कांग्रेस के सामने ये समस्या है। और इतना ही नहीं, यहां तो कुछ और चेहरा है जी, और केरल में जाके कुछ और चेहरा है, जिसका उन्होंने उल्लेख किया। इनके दक्षिण भारत के सबसे बड़े सहयोगी तथा कथित INDIA गठबंधन के एक सेमिनार करते हैं, मतलब एक होता बयान मुंह से निकल गया, सेमिनार करते हैं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। और इनके उत्तर भारत के सबसे बड़े सहयोगी उनके नेता, अभी देखिए दीपावली पर मां लक्ष्मी के बारे में अनाप शनाप बातें करते हैं। जो इन्होंने कहा दोनों हाथों में लड्डू है ना, ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस सोच रही है कि हम कट्टरपंथियों को भी जोड़ लेंगे और फिर जनेऊ भी दिखा लेंगे। ये दोनों के चक्कर में जो पड़ता है ना, उसके लिए कहा गया चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। आप कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसमें कांग्रेस को एक बड़ा फायदा मिले, यानी वोट छिटके भी ना और दूसरी तरफ का वोट पड़ भी जाए। जवाब नहीं, कांग्रेस से खेल खेलने की कोशिश कर रही नहीं, पर आचार्य जी भी तो उन्हीं के साथ खेल मगर रहे हैं। देश की और राजस्थान की प्रबुद्ध जनता बहुत समझदार है, उस चेहरे के पीछे छुपा हुआ चेहरा बहुत अच्छी तरीके से समझती जी। अब आप नागर साहब, आपके तो पिछले 5-6 विधायक आए थे, सब लेके उड़ गए, ये इस बार क्या आपको लगता है जीत के आएंगे भी कहीं लेके ना चले जाए? सबसे पहले तो मेरा प्रश्न है देवगन साहब से भी और आचार्य प्रमोद कृष्णन से भी जी, कि कांग्रेस ने बायकॉट कर रखा है न्यूज 18 का और अमीश जी का, तो फिर यहां आचार्य प्रमोद कृष्णन कैसे हैं? क्या जो अमीश जी कह रहे हैं वो सही बात है? दोनों जवाब दें प्लीज पहले, तो फिर मैं जवाब देता हूं। आचार्य जी, देखिए मलूक नागर जी ने जो सवाल किया है तो मैं उसका जवाब दे देता हूं, लेकिन उसके जवाब देने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मैं जवाब दे नहीं, मेरी बात पूरी होने दो। देखिए पहली बात, ये जो एंकर्स के बायकॉट करने का फैसला था ये कांग्रेस पार्टी का नहीं था, ये इंडिया गठबंधन का था और इंडिया गठबंधन का जनगणमन हो गया। अब आप पूछेंगे कैसे हो गया? भाई इंडिया गठबंधन उसी दिन उसकी जान निकल गई थी जब अखिलेश यादव जी ने यह कह दिया कि कांग्रेस झूठी पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है, बड़ी चालू पार्टी है और कांग्रेस और भाजपा एक हैं, तो इंडिया गठबंधन का कोई औचित्य नहीं रह गया। इसलिए इंडिया गठबंधन को जो ब्रेक किया वो अखिलेश यादव जी ने किया और वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं। नागर साहब आना चाहते हो?